रीवा के तेउथर विश्राम गृह में विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने जनता दरबार लगाकर जनता जनार्दन की सुनी समस्याएं। समस्याओं के समाधान हेतु सैकड़ों की संख्या में पीड़ितों की उमड़ी भीड़। इस दौरान विधायक सिद्धार्थ तिवारी के साथ तेउथर का पूरा अमला रहा मौजूद, जहां SDM से लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की रही उपस्थित। बता दें कि विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा विश्राम गृह परिसर में पिछले कई सप्ताह से जनता दरबार लगाते हुए जनता जनार्दन की सुनी जा रही है समस्याएं, जहां मौजूद अधिकारियों से समस्याओं के निराकरण हेतु नियम अनुसार कार्यवाही को लेकर दिए जा रहे निर्देश। जनता दरबार को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुने विधायक सिद्धार्थ तिवारी की जुबानी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार कटिबद्ध है कि केंद्र के और प्रदेश के जितने भी हितग्राही योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, यही हमारा अंत्योदय का नारा है। मैं माननीय मोहन यादव जी के विधायक के रूप में तेउथर पर हूं। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि एक भी व्यक्ति सुविधाओं से तेउथर में वंचित ना रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि एक एक व्यक्ति के पास आप स्वयं जाइए, हर व्यक्ति से मिलना आवश्यक है। मैं गांव-गांव तो जाता ही हूं, लेकिन ये तहसील स्तर पर एक दिन का जो मैं कार्यक्रम करता हूं, इसका उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई भी किसी को समस्या हो, प्रशासन साथ में बैठता है, हर समस्या को का निराकरण करने का हम पूरा प्रयास करते हैं, और यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। आज किन किन प्रकार की समस्याओं से आप रूबरू हैं? हर तरह की समस्याएं आती हैं, बिजली की समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, सिंचाई की समस्या आती है, तहसील और रेवेन्यू से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, राजस्व महाअभियान 18 तारीख से चल रहा है, उसकी भी उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर नगर पंचायत से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, सोसाइटी जो है उनसे रिलेटेड समस्याएं आती हैं। इन सारी समस्याओं को मैं डायरेक्ट सुन करके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम इसका पालन करें, और एक भी व्यक्ति जब तक मैं यहाँ विधायक हूँ मूलभूत समस्याओं से वंचित नहीं रहेगा। आगे किस प्रकार से आपके माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनने को लेकर ये कार्यक्रम चलता रहेगा? ये कार्यक्रम तो निरंतर चलता ही रहेगा। आप स्वयं जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पंचायत में रोज़ रहता हूँ। मैं और एक अपने माध्यम से एक काम करना चाहता हूं, और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन है कि मैं कॉल सेंटर भी चलाऊंगा, तो उसमें अगर कोई विकलांग है या कोई नहीं पहुंच पाता है या अपनी बात नहीं रख पाता तो फ़ोन के माध्यम से रख दे और वो उस विभाग को पहुंच जाएगी। ये मैं अपनी विधानसभा में करूँगा। मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार ने 6 महीने में इतना कुछ हासिल कर लिया है। हम तेउथर में खड़े हुए हैं, मीर बहरी पुल का टेंडर हो चुका है, मेरे हिसाब से खुल भी गया होगा, किसी न किसी को मिल गया होगा, और साल भर के अंदर वो तैयार हो जाएगा। हमारे पास एक CM राइज स्कूल था, पिछले 6 महीने में 2 CM राइज स्कूल और आ चुके हैं। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र पर, मैं एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र पर मैं स्वयं काम कर रहा हूँ, इस तरह की और बहुत सारी योजनाएँ आ रही हैं, और साल भर में आपको समझ में आएगा कि तेउथर का नक्शा बदलेगा।